ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए वो ओपन बस है ना, और यहाँ पर खिलाड़ी जो है खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। विराट कोहली को देख लीजिए जरा, ये यशवेंद्र शहर को देखिए जरा, रात हो गई है लेकिन आंखों पे काला चश्मा जचता है, काला चश्मा लगाकर यशवेंद्र शहर को आप देख रहे हैं जरा किस अंदाज में यहाँ पर वो सेल्फी लेते हुए, और कंधों पर तिरंगा यशवेंद्र शहर ने डाला। अक्षर पटेल को देखिए, एक हाथ ऊपर है बाकायदा और सेल्फी ले रहे हैं, कभी खुद को देख रहे हैं और कभी वीडियो कॉल अगर कर रहे होंगे तो जो फैंस वहां नीचे मौजूद हैं उनकी तरफ कैमरा अपना टर्न कर रहे हैं। और ट्रॉफी देखिए किस तरीके से विराट कोहली के हाथ में इस समय ट्रॉफी नजर आ रही है, और ये जो विश्व विजेता बनकर लौटे हैं, ये जो ट्रॉफी धारक आए हैं ना, जिनका स्वैग से इस वक्त पूरा मुंबई स्वागत कर रहा है, वो लीजिए ट्रॉफी के दर्शन कराते हुए फैंस को, और ये काम इस वक्त विराट कोहली करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष सर जी हाँ, और आप देखें, आपने बोला कि इनके हाथ में मोबाइल है, आपने बोला कि इनके हाथ में ट्रॉफी है, लेकिन आप देखिए इनके हाथ में तिरंगा भी क्या जच रहा है, और आप ये भी देखें कि ये खिलाड़ी बार बार अपनी पोजीशन इधर से उधर चेंज कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं कि इधर के जो देखने वाले हैं वो उनको मिस ना कर जाएं, और उधर के देखने वाले वो उनको मिस ना कर जाएं। ये खिलाड़ियों के आप देखिए किस तरह जनता से वो अपने ही शब्दों में संवाद कर रहे हैं, अपने ही शब्दों में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और विक्रम राठौर भाषा की तो कोई बंदिश ही नहीं है, आज ज़रूरत तो बोल की है ही नहीं, आज तो जो कुछ है वो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, आज जबान से कहने की कुछ जरूरत नहीं, आज सब कुछ जो है वो भावनाओं से व्यक्त हो रहा है, और इसी की तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं। आप भी देख रहे हैं जज्बात का जिक्र अभी आशीष जी कर रहे थे यहाँ पर कि साहब जो खिलाड़ी है ऐसा नहीं है कि इस ओपन बस में अपनी अपनी जगह पकड़ ली है और उस जगह पर रुके हुए और वहीं से बस हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं फैंस की तरफ, नहीं, कभी कोई आगे नजर आता है, कभी कोई पीछे चला जाता है, इसके अलावा कभी कोई दाएं की तरफ खड़ा होता है, कभी कोई बाएं की तरफ अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेता है, मतलब ये भी वो एक मोमेंटम, वो एक ऊर्जा जो नीचे सड़क पर फैंस के बीच देखने के लिए मिल रही है, उसी तरीके की ऊर्जा, उसी तरीके का मोमेंटम उस ओपन बस में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो जोड़ी, ये वो जुगलबंदी, और इस बार T20 वर्ल्ड कप में तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से पोजीशन बदली, नंबर बदला, ओपनिंग करने के लिए रोहित के साथ विराट कोहली आए, उसने कहीं ना कहीं जितने क्रिकेट लवर्स थे बहुत से लोगों की तो जैसे मन मांगी जो मुराद थी वो पूरी कर दी, और इस जोड़ी को जितना ज्यादा फैंस देखना चाहते हैं उतना ही ज्यादा इस वक्त ये जोड़ी जो ट्रॉफी हाथ में लिए हुए फैंस के बीच से विक्ट्री परेड करते हुए आगे गुजर रही है। ये तस्वीरें हैं जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए समा जाएंगे। आप देखिए हार्दिक पांड्या, आप देखिए अक्षर पटेल, वो देखिए जरा यशवेंद्र चहल, मेरी तो नजर नहीं हट रही है, रात के अंधेरे में भी काला चश्मा जच रहा है उनके मुखड़े पर, और तिरंगा जिसमें लिपटे हुए ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कितने रिलैक्स मोड में। विराट कोहली को आप देख रहे हैं बाकायदा फैंस के जोश से तालमेल करते हुए, चीयर अप करते हुए, तालियां बजाते हुए, और एक बार फिर से वो जो ट्रॉफी है वो ऊपर उठाते हुए, ये है जोश, जुनून, जज्बा, ये है यूनिटी, ये है एकता, जिसकी मिसाल जिस तरीके से मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिखाई, और एक यूनिट की तरह जिस तरीके से मैदान पर उतरे और हर किसी ने अपना 100% दिया, यही वो जानदार शानदार यूनिटी थी जिसकी बदौलत ये जो विश्व विजेता चैंपियंस हैं उनके हाथ में आज ये ट्रॉफी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे सहयोगी जीएस विवेक लगातार बने हुए, जीएस विवेक को अंग्रेजी में कहते हैं ना इन्फेक्शियस, इस वक्त ये जो ऊर्जा इन तस्वीरों से देखने के लिए मिल रही है ये वाकई में इन्फेक्शियस है, इससे कोई बच नहीं सकता है, हर कोई इन भावनाओं में इस वक्त सराबोर खुद को महसूस कर रहा है, मतलब मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हुई हूँ तब भी मैं इस इमोशन को महसूस कर पा रही हूँ, और आप तो वहीं एपिसेंटर में उस समंदर के बीच में खड़े हुए हैं। जीएस विवेक जी हाँ बिल्कुल रुमाना, और एपी सेंटर में तो मैं थ्रू आउट रहा हूँ इस पूरे टूर्नामेंट की शुरुआत से, यूएस से, फिर उसके बाद बार्बाडोस, और बार्बाडोस में जब फाइनल जीता और उस एपी सेंटर से जब टीम इंडिया वतन वापसी हुई आज सुबह दिल्ली में वहाँ पर, और आप यहाँ पर, और आपको बता दें कि ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। मैंने 2007 कवर किया जब जीता, उस जश्न का भी हिस्सा था, 2011 जब इंडिया जीती तो इसी मरीन ड्राइव पर मैं भी खड़ा था, और जब मैच कवर करने के बाद, और ये आज का दिन है, मैं बता दूं कि वो पहले तो जो सिनारियो थे, जो इंस्टेंसेस थे, वो कहीं भी इसके मुकाबले आसपास भी नहीं है, और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, और इतना ज़्यादा कि अब प्लेयर्स को, पुलिस को, सब लोगों को अब एक एक करके डर लगना शुरू हो चुका है, लेकिन ये जोश जो है वो बिल्कुल भी
खत्म नहीं हो रहा है और ये जितना चाहे यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर इंतजार करेंगे और इंतजार करेंगे, क्योंकि आज रोहित शर्मा उनकी टीम जो विश्व विजेता बन के आई है वो यहाँ पर है और काफी देर से यहाँ पर पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, बारिश हो चुकी है, उमस हो चुकी है, पानी और खाना पीना आसपास नहीं है, लेकिन कोई भी तस से मस नहीं हो रहा है। आसपास जो लोग हैं जरा इनसे बात कीजिए ना, आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइक इनके सामने कर देंगे, ये अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे। जीएसपी में पाएगी या नहीं पाएगी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बहुत दिलचस्प थी। आप देख रहे थे कैसे नाजुक अंदाज में कप्तान रोहित शर्मा जो है वो ट्रॉफी को साफ करते हुए नजर आ रहे थे, चमकाते हुए ट्रॉफी को नजर आ रहे थे। नई नवेली ट्रॉफी है, लेकिन फिर भी वो जुड़ाव ऐसा है ना टीम का ट्रॉफी के साथ। और फिर विक्ट्री परेड के लिए निकलना था, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रही थी टीम, तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर नई नवेली ट्रॉफी आशीष जी उसको भी चमकाया जा रहा है। मतलब उस ये मोहब्बत इस ट्रॉफी से, वो तस्वीरें तो मुझे ध्यान आ रही है हाँ। जो प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन किस तरीके से रात में सो रहे हैं तो भी ट्रॉफी को झपकी पाकर सो रहे हैं। लेकिन ये सब तो आपके और हमारे साथ भी गुजरा है। जब आप छोटी होंगी तो आपको जब पहली गुड़िया मिली होगी तो जैसे आप उसको खींच के अपने साथ सोती होंगी, या मेरे पास जब पहला बल्ला मेरे पास आया जिस तरह से मैं उसको अपने से सहेज के सोता था, तो इनके लिए भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक ऐसा नायाब उनका तोहफा है, एक ऐसी गिफ्ट है जो उन्होंने अपना खून पसीना बहा के अर्जित की है। और उसको चमका के रखना, उसका ध्यान रखना, हर समय जहन में उसका ख्याल रखना, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल, और वही इस वक्त हम देख रहे थे किस तरीके से खुद कप्तान रोहित शर्मा जो है ट्रॉफी का इतना ख्याल करते हुए, उसको रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए कि अभी मुझे लेकर जाना है बाहर, जब हम विक्ट्री परेड के लिए निकलेंगे तो इस ट्रॉफी को हमें दिखाना है, तो चमचमाती हुई ट्रॉफी ताकि जो फैंस है वो खुश हो जाए। देखिए इसमें जो मुझे बहुत बहुत एक बात जो बहुत प्रभावित की इन दृश्यों ने, इसमें मैंने देखा रोहित शर्मा अपने को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं वाली आप बात कर जी 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 हाँ जी। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आता है 1992 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था तो इमरान खान ने कहा था ये वर्ल्ड कप मैंने जीता है, मेरी वजह से जीता है। कप्तान वो होता है, नायक वो होता है जो लड़े तो आगे लड़े और अगर जीत का जब सहरा बंधे तो पीछे खड़ा। बिल्कुल, और इस वक्त उसी भूमिका में जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली मिसाल कायम करते हुए नजर आए, और जो फाइनल वाला मुकाबला था उस मुकाबले में भी एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब 30 for 30 मतलब रनर बॉल वाली सिचुएशन आ गई थी, लेकिन ये रोहित शर्मा की कप्तानी थी, ये एक एक खिलाड़ी का जज्बा था जिसकी बदौलत आज ये तस्वीरें आप और हम देख पा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।